बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मिनी व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से हो। फारिग बैठ के मैं सोच रहा था, मुझे बहुत ज्यादा यार अचानक ही भूख लग गई और मैं जल्दी जल्दी गया, किचन का दरवाजा खोला और मैंने जाके फ्रिज खोल के देखा और अंदर कुछ भी नहीं था। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ यार, खाली फ्रिज है। मुझे यकीन नहीं था आ रहा कि खाली फ्रिज है। फिर मैंने ऊपर वाला खाना खोल के चेक किया और वाकई ही फ्रिज में कुछ भी नहीं था यार खाने के लिए। और फिर एकदम जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। आप मेरा चेहरा देख सकते हैं कैसे ही उतर गया। फिर मुझे यार आइडिया आया और मैंने जाके अपना चेक किया और इसमें मुझे मिला 100 रुपया। वाओ, मुझे 100 रुपया मिला और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। मुझे इतनी ज्यादा खुशी थी कि मुझसे संभाली नहीं थी जा रही। फिर मैंने जल्दी जल्दी 100 रुपया पकड़ा और दुकान के लिए मैं रवाना हो गया। 100 रुपये को मैंने जो है ना दबा के पकड़ लिया कहीं भागने जाए। फिर दुकान का दरवाजा खड़काया और दुकान खुल गई है। चाहे मैंने दुकान पे गया और दुकान पे पैसे दिए और सुपर का बिस्किट लिया। सुपर का बिस्किट लेने के बाद जो है ना मैंने 60 रुपये बुकाए लिए, क्योंकि 40 रुपये का सुपर का बिस्किट है। 60 रुपये वापस लेके और मैं वापस आ गया। बहुत ज्यादा मैं खुश था क्योंकि इतनी ज्यादा भूख लगी थी। रस्ते में मुझे मरियम मिल गई। मैंने और मरियम ने जो है ना मिलके बिस्किट खोला, लेकिन अफसोस हुआ बिस्किट टूटा हुआ था, लेकिन कोई मसला नहीं है यार। मैंने मरियम को दिया बिस्किट और जो है ना खुद भी लिया और बहुत एंजॉय किया हम दोनों ने मिल। जल्दी जल्दी बिस्किट को फिनिश कर दिया और बहुत ही हमें जो है ना मजा आया। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्किट हमने फिनिश करके रैपर जो है ना फेंक, बिस्किट खा के मैं सो गया था। फिर अचानक मेरी आंख खुली और बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी सो के उठने के बाद। और घर में बने हुए थे जी दाल चावल और बहुत ही मजे के साथ जो है ना हमने दाल चावल भी खाए। बहुत मजा आया, मजे के दाल चावल थे यार, मजा आ गया। क्या चाच सा भाई साहब, उसके बाद जो है ना एक कप आ गई चाय। आय हाय आय हाय आय हाय, क्या बात है, जबरदस्त मजेदार चाय। हाँ जी, तो कैसा लग रहा हूँ जी मैं? इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं खत्म। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।